हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता। और अब हम लोग आईसीएसई क्लास 11th मैथ्स की वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग एमएल अग्रवाल बुक को रेफर कर रहे हैं और इसके हम लोग सारे कॉन्सेप्ट्स समझेंगे, सारे टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे और उसके अलावा जो भी इसमें अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज है उसके सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो यूनिट नंबर 1 सेट्स एंड फंक्शन, उसका जो चैप्टर नंबर 1 है सेट्स, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th में आप ऑलरेडी सेट्स पढ़ चुके हैं तो उसको थोड़ा सा हम लोग क्लियर करते हैं कि क्या सेट होता है। सेट को समझने से पहले हम लोग चाहेंगे कि आप लोग ये देखें कि ये वेल डिफाइंड स्टेटमेंट क्या होता है, क्योंकि सेट में और कुछ नहीं है, सिर्फ एक आपको टर्म समझनी है कि वेल डिफाइंड क्या। एक बार वेल डिफाइंड समझ में आ गया फिर सेट की डेफिनेशन आप लोगों को मालूम है। तो वेल डिफाइंड स्टेटमेंट क्या होता है वो अब हम लोग एक बार समझते हैं। वेल डिफाइंड स्टेटमेंट का मतलब है कि ऐसा स्टेटमेंट जिससे जब हम लोग एलिमेंट कलेक्ट करें तो वो यूनिक एलिमेंट हो, वो उसमें कोई भी, चाहे फर्स्ट पर्सन, चाहे सेकंड पर्सन, चाहे थर्ड पर्सन, कितने ही पर्सन इस स्टेटमेंट से एलिमेंट को कलेक्ट करें, पर यहां पे जो कलेक्शन है वो सेम रहेगा। फर्स्ट पर्सन कलेक्ट करता है तो भी सेम रहे, सेकंड पर्सन, उनके पास कोई ऑप्शन ही ना हो और कोई एलिमेंट का, तो हम लोग कहेंगे कि ये स्टेटमेंट क्या होगा, वो वेल डिफाइंड होगा। तो देखते हैं इसको वेल डिफाइंड, अब हमारे पास जो स्टेटमेंट है ये वेल डिफाइंड है या नहीं है इसे देखते हैं अब हम लोग। तो पहला स्टेटमेंट है कलेक्शन ऑफ क्लास 11th बुक। तो क्लास 11th की जो बुक्स हैं उसको कोई भी स्टूडेंट कलेक्ट करे वो क्या आएगा, वो हमेशा सेम रहेगा, चाहे राम करे, चाहे श्याम करे, चाहे अर्जुन करे, हमेशा क्या होगा, क्लास 11th की एक लिमिटेड बुक्स है उन्हीं को कलेक्ट किया जाएगा। तो हम इस स्टेटमेंट को कहेंगे कि ये स्टेटमेंट है वेल डिफाइंड। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि कलेक्शन ऑफ एक्सपेंसिव कार। अब देखिए हर एक की अपनी फाइनेंशियल एक स्टेटस होता है, उस फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से उसको चीज़ एक्सपेंसिव है या नहीं है वो लगती है। तो कुछ लोगों का जिनका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत हाई है उन्हें 50 लैक्स की 60 लैक्स की बुक कार जो एक्सपेंसिव लगती है, कुछ जो लो फाइनेंशियल स्टेटस वाले हैं उनको 7 लाख की 8 लाख की कार भी जो है एक्सपेंसिव लगती है। तो इट मीन्स व्हाट कि अगर अलग अलग लोगों को एक्सपेंसिव कार का कलेक्शन करने के लिए कहें तो वो क्या आएगा, वो कलेक्शन अलग अलग होगा। यहां पे जो कलेक्शन है वो अलग अलग होगा। तो इट मींस दिस स्टेटमेंट इज नॉट वेल डिफाइंड। ओके, ये सारी चीजें आपको इसलिए बता रहे हैं वेल डिफाइंड और नॉट वेल डिफाइंड, क्योंकि पूरा का पूरा सेट में है ही यही जो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना डेफिनेशन सेट की कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट, तो उसमें और कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमें यह समझना है कि वेल डिफाइंड स्टेटमेंट है या नहीं। अगर एक बार वो समझ में आ जाए तो फिर उसके बाद सेट कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हम कलेक्शन ऑफ कार। तो कलेक्शन ऑफ कार की अगर हम बात करें तो कोई भी कलेक्ट करे, जो जितनी भी कार हैं इस दुनिया में उन सब का जब कलेक्शन बनाएंगे तो क्या होगा, वो उसमें जो एलिमेंट है वो सेम रहेंगे। तो इट मींस दिस इज वेल डिफाइंड। इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम लोग चलें रिवर ऑफ इंडिया, रिवर ऑफ इंडिया क्या है, फिक्स है। तो जब हम कलेक्शन बनाएगा, कोई भी पर्सन अगर कलेक्शन बनाएगा रिवर ऑफ इंडिया का तो वो कैसा होगा, वो सेम आएगा। इट मींस दिस इज वेल डिफाइंड। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट चलें कि नंबर मच ग्रेटर देन 1, अब मैं कहता हूं कि 100 इज मच ग्रेटर देन 1, दूसरा कोई कहता है कि 1000 इज मच ग्रेटर देन 1, आप कहते हैं कि सर 10 भी मच ग्रेटर देन 1 ही है, कोई कहता है 5 इज मच ग्रेटर देन 1, तो कोई तो रेंज स्टार्ट करेगा 5 से कि 5, 6, 7, 8, 5 एंड मोर देन 5, कोई स्टार्ट करेगा 10 एंड मोर देन 1, कोई कहेगा 1.1 भी तो ग्रेटर देन 1 ही है सर। तो इट मींस दिस स्टेटमेंट इज नॉट वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड नहीं है। इसी तरह से नेक्स्ट में चले हम लोग नंबर ग्रेटर देन 1। अब जब नंबर ग्रेटर देन 1 है तो इट मींस व्हाट कि जो भी एक से बड़ा नंबर है वो वेल डिफाइंड है। तो कोई भी किसी को भी आप बोलेंगे कि वो नंबर बताओ जो ग्रेटर देन 1 है, वो हर एक पर्सन जो है सेम आंसर देगा। इट मींस दिस इज अ वेल डिफाइंड स्टेटमेंट। तो अगर सभी लोग एक स्टेटमेंट के बाद सेम आंसर दें तो हम कहते हैं स्टेटमेंट कैसा होगा, वेल डिफाइंड। कलेक्शन ऑफ इवन नंबर से लेस देन 10, इवन नंबर जो है जो लेस देन 10 है वो क्या है, वो सेम है। तो इट मींस दिस इज वेल डिफाइंड। इसी तरह ऑल काइंड ऑफ एंगल, दिस इज वेल डिफाइंड। तो इट मींस व्हाट कि अब हमें यह पता चल गया कि अगर बहुत सारे लोग किसी स्टेटमेंट से, किसी भी स्टेटमेंट से कलेक्शन करते हैं एलिमेंट का और वो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट
हर एक पर्सन सेम करे तो वो स्टेटमेंट कहलाता है वेल डिफाइंड, अदरवाइज नॉट वेल डिफाइंड। अब हम लोग चलते हैं डेफिनेशन सेट के ऊपर कि सेट क्या होता है। तो सेट की अगर हम बात करें कि सेट है क्या, तो बहुत सिंपल है कि ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट। ओके, तो क्लियर हो गया कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट। तो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास एक स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट से हम लोगों को एलिमेंट को कलेक्ट करना है। एलिमेंट कलेक्ट करेंगे और जो एलिमेंट हम कलेक्ट करेंगे वो देखेंगे कि वो सेट है या नहीं है। तो वो सेट कब होगा, जब ये स्टेटमेंट कैसा होगा, वेल डिफाइंड होगा। तो अगर ये स्टेटमेंट वेल डिफाइंड है तो ये जो है सेट होगा, और अगर ये नॉट वेल डिफाइंड है, अगर ये स्टेटमेंट नॉट वेल डिफाइंड है तो क्या होगा, ये अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ये क्या होगा, तो ये सेट नहीं होगा। पर क्या होगा, ये सेट नहीं होगा, ये होगा फजी सेट। अब आप कहेंगे सर ये हमारे सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, पर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट बनाने के लिए, देखिए मैथ्स आप तभी कर पाएंगे जब इसमें इंटरेस्ट होगा। तो इंटरेस्ट बनाने के लिए आपको ये थोड़ी बहुत चीजें, मैं पूरा नहीं बताऊंगा आपको इसके बारे में, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट थोड़ा बताऊंगा। हमने अभी एक हॉट टॉपिक चल रहा है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है फजी सेट। कि अगर कोई सेट नहीं है तो वो क्या होगा, वो फजी सेट होगा। देखिए किसी सेट के अंदर अगर एलिमेंट है 1 2 3 4, तो ये अब अगर हम बात करें कि 1 1 इसका एलिमेंट है या नहीं है, तो यस और नो बाइनरी में आंसर मिलेगा। 2 इसका एलिमेंट है या नहीं है, बाइनरी में आंसर मिलेगा यस और नो, तो यहां पे यस है। 5 मैं बोलूं 5 इसका एलिमेंट है या नहीं है, सेट ए का एलिमेंट है या नहीं, आप बोलेंगे नहीं है, नो। तो इट मींस व्हाट कि एलिमेंट का जो आंसर है वो हमें बाइनरी में मिलता है, यस और नो में मिलता है। और जब फजी सेट होता है तो हम कहते हैं कि यस और नो सर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो जब कोई चीज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, यानी कि बाइनरी में जब हमें इसका आंसर 0 और 1 में नहीं मिलता है, तो वो बन जाता है फजी सेट। तो डिग्री ऑफ मेंबरशिप, इसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है, बहुत एडवांस टॉपिक है, ये हॉट टॉपिक है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और इसके अलावा और भी बहुत सारे जो एडवांस टेक्नोलॉजी चल रही है उसमें सब में यूज होता है ये। तो इसको ये बहुत एक ग्रेट साइंटिस्ट थे एल ए जादे, उन्होंने डेवलप किया था ये फजी सेट, फजी मैपिंग, फजी थ्योरी। ओके, तो अब हमें क्लियर हो गया कि ये सेट क्या। चलिए हम दोबारा से आते हैं सेट के ऊपर। तो सेट क्लियर हो गया कि हमें सिर्फ इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि वेल डिफाइंड क्या है। अगर स्टेटमेंट वेल डिफाइंड है तो उससे अगर हम एलिमेंट को कलेक्ट करेंगे तो वो सेट होगा, और अगर स्टेटमेंट वेल डिफाइंड नहीं है तो उससे जो हम एलिमेंट को कलेक्ट करेंगे वो सेट नहीं होगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो अब देखते हैं हम इसका यूज क्या है। तो सेट्स का यूज मैथ्स की बहुत सारी फील्ड में है। सेट से हम लोग रिलेशन बनाते हैं, और रिलेशंस के बाद फिर हम लोगों का फंक्शंस बनता है, और फंक्शंस का जो यूज है वो एन नंबर ऑफ प्लेसेस पे। मैथ्स की हर एक फील्ड में इसका यूज है, चाहे वो मैट्रिक्स तक में जो है इसका फंक्शन का यूज होता है। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि सेट्स का नोटेशन क्या है। सेट्स नोटेशन, तो सेट को जनरली हम लोग कैपिटल लेटर से ए बी सी, इससे तो हम लोग डिनोट करते हैं सेट्स को, और इसके जो एलिमेंट होते हैं उनको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। तो सपोज ए एक हमारे पास सेट है और इसके एलिमेंट हैं ए बी सी डी ई। ओके, तो ये हमारे पास सेट है और ये इसके एलिमेंट है। ओके, तो ये क्लियर हो गया कि हमारे पास सेट और उसका नोटेशन। अब हम लोग आगे चलते हैं कि सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। बहुत सिंपल टॉपिक है कि सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो सेट के रिप्रेजेंटेशन के लिए अगर हम बात करें तो ये हमारे पास एक तो आता है टेबुलर फॉर्म, या जिसे हम लिस्ट मेथड भी कहते हैं, या रोस्टर भी कहते हैं, रोस्टर मेथड भी कहते हैं इसको। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें सिंपल एलिमेंट की हम लिस्टिंग कर देते हैं। सिंपल जो हमारे पास एलिमेंट है उसको हम सेट के अंदर लिख देते हैं ए बी सी डी ई। तो ये हमारे पास क्या है, ये टेबुलर फॉर्म या लिस्टिंग मेथड भी कहते हैं, या रोस्टर मेथड भी कहते हैं। तो ये तो फर्स्ट है। इसी तरह से सेकेंड चलता है हमारे पास सेट बिल्डर मेथड, या फिर इसे हम रूल मेथड भी कहते हैं। तो सेट बिल्डर मेथड और रूल मेथड में लिखने का मेथड क्या होता है कि इसमें हम किसी सेट ए को
एक जर्नल जो है जर्नल तरीके से एक्स एलिमेंट से डिफाइन करते हैं कि सेट ए के अंदर क्या होगा, एक्स एलिमेंट है और इस एक्स को हम डिफाइन कर देते हैं कि ये एक्स कैसा होगा, और जो वो मैंने आपको स्टेटमेंट बताया था वो स्टेटमेंट यहां पे एग्जैक्टली लिख देते हैं। ओके कि जैसे एक्स इज इवन नंबर लेस देन 10। ओके तो अब इसके अंदर हमारे पास ये हो गया हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म और या रूल मेथड। देखिए हमने रूल लिख दिया, ये रूल लिख दिया हमने कि जिस रूल से इसके अंदर हमने एलिमेंट को फिल किया है। ओके तो वो हम लोगों ने उसी को कहते हैं हम लोग रूल मेथड। और अगर हमें इससे जो है टेबुलर फॉर्म बनानी है तो हम कैसे लिखेंगे कि हमारे पास अब रूल मेथड दिया हुआ है, अब हमें टेबुलर फॉर्म या लिस्टिंग मेथड या रूल रोस्टर मेथड बनाना है तो क्या करेंगे कि इसके अंदर हम एलिमेंट फिल कर देंगे। तो एलिमेंट क्या है, एक्स इज इवन नंबर, इवन नंबर है लेस देन 10, तो 10 से कम वाले इवन नंबर बताइए और इवन नेचुरल नंबर कर देते हैं, इसे हम इवन नेचुरल नंबर कर देते हैं। तो इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10 वाले कौन कौन से हो जाएंगे, 2, 4, 6 एंड 8। तो ये हो गया आपके पास रोस्टर मेथड और ये हो गया आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर हो गया। तो सेट बिल्डर फॉर्म में फिर से एक बार बताते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में आपको वो रूल लिखना पड़ेगा, यहां पे एक्स तो हमेशा ऐसे ही लिखना पड़ेगा, सच दैट का आपको मार्क लगाना पड़ेगा और उसके बाद वो रूल लिखना पड़ेगा जिस रूल से आपने उस सेट के अंदर एलिमेंट को कलेक्ट किया। क्लियर। तो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब हम लोग सेट ए, सपोज एक सेट है ए बी सी डी ई, इसके एलिमेंट और ये जो सेट है इसके बीच में जो रिलेशन है उसको हम किन सिंबल से शो करते हैं वो देखते हैं। तो एक तो होता है हमारे पास ये, दिस इज कॉल्ड बिलोंग्स टू, और एक आता है इसको हम लोग क्रॉस कर देते हैं एंड ये दैट इज कॉल्ड डज नॉट बिलोंग्स टू। ओके तो जब भी कोई एलिमेंट और सेट में हमें रिलेशन डिफाइन करना होता है तो वो हम बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मींस कि ये एलिमेंट इस सेट का एलिमेंट है, डज नॉट बिलोंग्स टू मींस एलिमेंट इस सेट को बिलोंग नहीं करता है। सपोज ए इस सेट को बिलोंग करता है तो लिखेंगे हम ए बिलोंग्स टू ए, एफ इसमें एफ नहीं है तो एफ डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ओके इसी तरह से बी बिलोंग्स टू ए, जी डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास दो नोटेशन यूज होते हैं, बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू। अब हम लोग चलते हैं कि कुछ हम लोग सेट्स देखते हैं, उसको हम लोग टेबुलर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। तो सपोज ये हमारे पास एक टेबुलर फॉर्म है, यहां पे टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे और उन्हीं सेट्स को हम लोग यहां पे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। ओके तो सपोज हमारे पास ये सेट है 1, 2, 3, 4 और ये आप सब जानते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये टेबुलर फॉर्म में तो मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं एलिमेंट्स को फिल कर देते हैं, सिंपल एलिमेंट्स लिख देते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करेंगे हम इसको डिफाइंड करेंगे कि एक्स से हम इसे डिफाइन करेंगे कि सेट एन में किस तरह के एलिमेंट है, एक्स टाइप के एलिमेंट है और इस एक्स की डेफिनेशन क्या है वो हम यहां पर लिख देंगे कि एक्स इज अ नेचुरल नंबर। ओके और थोड़ा सा और इसे अगर हम मैथमेटिकली लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिखेंगे, x such that x belongs to n। तो देखिए आगे हम लोगों को पूरा मैथमेटिकली जो है लैंग्वेज यूज करनी है, हम लोग कोशिश करेंगे कि सारी मैथमेटिकल लैंग्वेज यूज करें। शुरू में आपको जब हम आप जनरल लैंग्वेज से मैथमेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे अपने आप को तो थोड़ा सा ये सिंबल्स लगाते हुए ये नोटेशन लगाते हुए थोड़ा इनकन्वीनियंट फील करेंगे, पर फिर भी हम आपको सजेस्ट यही करेंगे कि आप अभी से जो है मैथमेटिकल लैंग्वेज लिखना शुरू कर दें जिससे कि आगे जो है आप जब इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग तो वो हमें आसान हो जाए। इसी तरह से अगर हम लोग देखें पी 2, 3, 5, 7 means prime number, तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि x such that x is a prime number। ओके इसी तरह से अगर हम लोग लिखते हैं कंपोजिट नंबर 4, 6, 8, 9, 10 means नंबर एक्सेप्ट प्राइम नंबर एंड 1, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो अगर हम यहां पे इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, x such that x is a composite number। देखिए इससे आपका ये भी रिवाइज हो रहा है, सारे नंबर्स भी रिवाइज हो रहे हैं और सेट बिल्डर फॉर्म भी आपको समझ में आ रही है।
अगर मेरा लेक्चर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है कि हम और अच्छे कंटेंट के साथ आप लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें बता सकें। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे मैथ्स में हम लोग सिर्फ आप लोगों को कॉन्सेप्ट और सॉल्यूशन नहीं बताएंगे, उसके अलावा इसको इम्पॉर्टेंट बनाने के लिए, इसको इंटरेस्टेड बनाने के लिए और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को बताएंगे। तो इंटीजर्स, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू i, ओके। इसी तरह से q सेट ऑफ रैशनल नंबर, तो यहां पे आएगा q x सच दैट x इज इक्वल टू p अपॉन q, p कॉमा q बिलोंग्स टू इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये आपको रैशनल नंबर के बारे में पता है, हमेशा p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं, p और q इंटीजर्स होते हैं और q नॉट इक्वल टू जीरो। देखिए अब इसमें क्या है, इसमें तीन कंडीशन है, दिस एंड दिस एंड दिस। तो सेट बिल्डर फॉर्म में जब हम किसी एलिमेंट को डिफाइन करते हैं तो तीन स्टेटमेंट के कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हैं, और बीच में एंड लगा होने का मतलब है कि ऐसे एलिमेंट जो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे, यानी कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो, और ऐसे एलिमेंट जो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे, मींस पी और क्यू इंटीजर हो और वो उसमें q नॉट इक्वल टू जीरो भी हो। तो जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो इस तरह के जो एलिमेंट का कलेक्शन है वो कहलाएगा रैशनल नंबर, ओके। इसी तरह t सेट ऑफ इरेशनल नंबर। अब आप कह रहे होंगे कि सर आपने एक चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रह गई कि सेट ऑफ रैशनल नंबर को आपने टेबुलर फॉर्म में नहीं लिखा, तो सेट ऑफ इरेशनल नंबर को आपने टेबुलर फॉर्म में नहीं लिखा, आर सेट ऑफ रियल नंबर को आपने टेबुलर फॉर्म में नहीं लिखा, तो इसको तो हम टेबुलर फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। क्यों नहीं लिख सकते, इसके बाद बताते हैं। फिलहाल ये देखिए कि क्यू टी टी आ जाएगा आपके पास x such that x belongs to R and x does not belongs to Q। मतलब ऐसे नंबर जो कि रियल नंबर हो एंड रैशनल ना हो वो क्या कहलाएंगे, इरेशनल होंगे। तो इतना लंबा स्टेटमेंट लिखने से बढ़िया है हम इसे इस तरह से लिखें, ये मैथमेटिकल आता है। और R को हम क्या लिखेंगे, x such that x belongs to R, x is a real number। अब बात आई कि हमने यहां पे आपको इसका टेबुलर फॉर्म नहीं बताया, तो टेबुलर फॉर्म इसका आप लिख ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं लिख पाएंगे वो देखिए कि अगर हम लोग रियल नंबर की बात करें तो इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट का सिंबल होता है, देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट मैनी रियल नंबर बिटवीन टू रियल नंबर। तो कोई भी दो रियल नंबर ले लीजिए, ए ले लीजिए और बी ले लीजिए, इनके बीच में इनफाइनाइट मैनी रियल नंबर होंगे। तो अब हमने क्या किया, सबसे पहले नंबर ए लिखा। देखिए हम लोग कोशिश करते हैं रियल नंबर को टेबुलर फॉर्म में लिखने की, तो सबसे पहले आपने नंबर लिखा ए, अब इसके बाद नंबर बताइए क्या लेंगे। सपोज हमने ले लिया इसके बाद बी, अब इसके ए और बी के बीच में इनफाइनाइट मैनी रियल नंबर है वो आपने छोड़ दिए, तो ये तो होएगा ही नहीं। इस जैसे हम आपको नंबर सिस्टम से बताते हैं, सपोज आपने लिया वन, अब वन के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, तो आप बोलेंगे साहब 1.1, तो 1 और 1 के 1.1 के बीच में भी बहुत सारे नंबर हैं, तो आपने कहा सर ऐसा करते हैं 1 और 1.01 ले लेते हैं, तो मैंने कहा 1 और 1.01 के बीच में भी बहुत सारे नंबर हैं, आप कहेंगे सर 1 और 1.00000000001 ये ले लेते हैं। मैं कह रहा हूँ इनके और इसके बीच में भी इनफाइनाइट मैनी रियल नंबर हैं, तो इट मीन्स व्हाट कि किन्हीं दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट मैनी रियल नंबर होते हैं, इसलिए हम इसका रिप्रेजेंटेशन टेबुलर फॉर्म में नहीं कर सकते। और सेम कॉन्सेप्ट लगता है आपका इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर में। क्लियर हो गया। इसी तरह से एक एग्जाम्पल हम लोग और देख लेते हैं कि जैसे हमारे पास एक सेट सी है -2, 2, तो हमने नंबर का देख लिया, इसको हम लोगों को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए हमें ये प्रॉपर्टी देखनी होगी कि ये किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। तो अगर आप इसे ध्यान से देखें तो -2 और 2 आपको एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का जो रिजल्ट होता है वो देता है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मीन्स एक्स इज इक्वल टू -2, 2, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, कि इसके अंदर, इस सेट के अंदर ऐसे एलिमेंट हैं
जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने का मतलब कि x की वैल्यू -2 एंड 2 है, क्लियर हो। ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म और ये हमारे पास इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। तो आई थिंक क्लियर हो गया। तो पहला वाला जो आपका टॉपिक है उसमें इतना ही है। इसमें एक दो प्रॉपर्टी हम लोग और देख लेते हैं कि प्रॉपर्टी क्या कहती है, कि जो ऑर्डर की लिस्टिंग है वो मैटर नहीं करती, यानी कि ऑर्डर ऑफ लिस्टिंग, कि ऑर्डर ऑफ लिस्टिंग जो एलिमेंट की जो लिस्टिंग का ऑर्डर है उसे हम चेंज कर सकते हैं। कि सपोज आपके पास ए बी सी ये है, इसे आप ऐसे लिखिए या बी सी ए ऐसे लिखिए, एक ही बात है, या सी ए बी लिख दीजिए, तो कोई भी ऑर्डर करिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से कि एक एलिमेंट को अगर हम दो बार लिखते हैं तो काउंट वो एक ही बार होगा। मींस कि अगर आपके पास ए ए बी सी है और मैं इसमें पूछूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है और इसे हम लोग इंजर्नली जो है इसी तरह से लिखते हैं। यानी कि अगर हम एक एलिमेंट को दो बार भी लिख दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हम लोग इन जर्नल जो है इसी तरह से लिखते हैं इसको, ओके। तो ये फर्स्ट ए एक्सरसाइज के लिए, एम एल अग्रवाल की एक्सरसाइज फर्स्ट ए के लिए जो कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे वो सारे सिर्फ यही यूज होने वाले हैं कि आपका सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, आपका रोस्टर मेथड क्या है, आपका सेट को डिफाइन करना है। तो यही सारे कॉन्सेप्ट अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपको एम एल अग्रवाल की एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करवाएंगे। और मेरा लेक्चर अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। विद दैट ऑल, थैंक यू।